नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड क्लास ट्वेल्थ का। हमारा यूनिट चल रहा था पृष्ठ रासायन। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत के आधार पर आपको अधिशोषण की क्रियाविधि को समझाना है। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण और अधिशोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। क्लास इलेवेंथ में भी आप पढ़ के आए हो ऊष्मा गतिकी, तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होगी जो इलेवंथ क्लास की होगी। मैं बताऊंगा ये चीज इलेवंथ में थी तो आपको मानना पड़ेगा ये चीज इलेवंथ में थी। अगर आप इलेवंथ सही ढंग से पढ़ के आए हैं तो आपने ऊष्मा गतिकी की का एक चैप्टर था हमारे, वहां पे एक समीकरण पढ़ा था, उसी को लेते हुए मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आपने एक समीकरण पढ़ा था, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं डेल्टा जी, ध्यान देना, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डी डेल एस। यहां तक ये चीज है इलेवेंथ क्लास की, इलेवेंथ क्लास की है इस चीज। इस समीकरण में आपको ध्यान देना है डेल्टा जी क्या है, एच क्या है और एस क्या है और ताप क्या है। तो डेल्टा यहां पे ध्यान देना, यहां पर जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी गिब्ज ऊर्जा, क्या है गिब्ज ऊर्जा, और मैं डेल्टा एच की बात करूं एंथैल्पी, क्या है एंथैल्पी, और डेल्टा एस की बात करूं ये है एंट्रोपी। ये भी आप ग्यारहवीं में पढ़ के आए, और टी आप सब जानते हो तापमान। ये किसके लिए था, ऊष्मा गतिकी के लिए, ऊष्मा गतिकी के अनुसार, ऊष्मा गतिकी के अनुसार, हम जानते हैं ऊष्मा गतिकी के अनुसार, ये चीज आप सब जानते हो। अब इस डेल्टा जी का मान तीन तीन हो सकता है, कैसे, जो डेल्टा जी है ध्यान देना, जो डेल्टा जी है वो प्राप्त हो सकता है शून्य, डेल्टा जी शून्य होगा उस अवस्था को बोलेंगे इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था, क्या बोलेंगे साम्यावस्था। और अगर डेल्टा जी का मान आपको प्राप्त हो गया नेगेटिव, तीनों स्थितियां कराऊंगा आपको मैं, डेल्टा जी का मान नेगेटिव प्राप्त हो गया तो वो होगा स्वता प्रक्रम। अब बात करेंगे हम स्वता प्रक्रम क्या है, अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव प्राप्त हो गया तो वह हो जाएगा अस्वता प्रक्रम, अस्वता प्रक्रम, क्या हो जाएगा अस्वता प्रक्रम। आपको साम्य अवस्था को तो पता है कि जब दोनों अवस्थाएं बराबर हो, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। यहां ध्यान देना, जैसे आपके पास यह कोई कमरा है, एक बढ़िया सा उदाहरण दे रहा हूं, यह कोई कमरा है और इस कमरे में एक गैस भरी हुई है, कोई भी गैस ले सकते हो आप, मैंने यहां पर ली है हीलियम गैस, कौन सी गैस, हीलियम गैस, और इसके साइड में एक और दूसरा कमरा है और यहां से एक निर्वात कोई पंप लगा दिया आपने, यहां से एक हॉल कर दिया गया है, इस हॉल से आप खुद समझ सकते हो ये पूरा कमरा हीलियम गैस से भरा गया है। और अब क्या होगा, गैस हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, तो यहां पर यह हीलियम यहां से होती हुई इस कमरे में आएगी, आएगी, एक बार हमने क्या किया, इस प्रक्रम को प्रारंभ कर दिया, किसकी माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से, तो यह प्रक्रम क्या कहलाएगा, स्वता प्रक्रम, क्या कहलाएगा, स्वता प्रक्रम। इसमें समझने वाली बात क्या है, ध्यान देना, एक ऐसा प्रक्रम जो प्रारंभ करने के बाद स्वतः ही चलता रहे। मेरे को बताना, एक बार आपने पाइप यहां से खोल दिया, हीलियम की गैस इधर से इधर आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। अब ध्यान देना, ये तो हो गया स्वतः प्रक्रम की बात, एक स्थिति ऐसी आएगी ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, एक अवस्था ऐसी आएगी ये कमरा और ये कमरा बराबर मात्रा में हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साम्यावस्था, यानी ऐसी अवस्था जिसमें इसमें गैस के अणु और इसमें गैस के अणु बराबर हो जाएंगे,
ये इसके परमाणु, सॉरी ये अवस्था कहलाती है साम्य अवस्था, और एक बार चालू करने के बाद इधर से इधर आने लगे वह कहलाता है स्वतः प्रक्रम। और अब बात आती है अस्वतः प्रक्रम की। मान लो अगर आपने इस कमरे में से हीलियम के एक परमाणु को उठाया और वापस इसके अंदर भेज दिया, अब मेरे को यह बताना एक परमाणु भेजने के बाद क्या इसके पीछे पीछे सारे हीलियम के परमाणु यहां जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हीलियम के सारे परमाणु यहां से यहां नहीं जाएंगे, तो यह हो जाएगा अस्वतः प्रक्रम। यानी हीलियम के कण यहां से यहां नहीं जाएंगे तो कौन सा प्रक्रम हो जाएगा? अस्वतः प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम हो जाएगा? अस्वतः प्रक्रम। तो बात समझ में आई स्वतः प्रक्रम क्या होता है, अस्वतः क्या होता है और साम्य अवस्था क्या होता है। हमें पढ़ना है ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत किसके लिए? अधिशोषण के लिए। हमने अभी तक पढ़ा है ऊष्मा गतिकी के अनुसार एक फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डी डेल एस। यह समीकरण किसके लिए है? ऊष्मा गतिकी के लिए। अब हम यहां पे हेडिंग लगाएंगे अब अधिशोषण के लिए। किसके लिए? किसके लिए पढ़ेंगे? अधिशोषण के लिए। किसके लिए? अधिशोषण के लिए। अब मेरे को बताना जब अधिशोषण की घटना होती है, हम जानते हैं कि यह कोई पदार्थ है, अगर उसके ऊपर आकर कोई गैस के कण, इसके ऊपर आकर कोई गैस के कण बैठ जाते हैं तो यह घटना होती है अधिशोषण की। जब अधिशोषण की घटना होती है तब कुछ ना कुछ इनके बीच रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सतह और अवयवी कणों के बीच, जिसे आप बोलते हो अणुस्कसिज। तो ये कण आकर बैठे, इसके साथ सतह पर कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होगी तो जहां पर भी केमिकल रिएक्शन होती है एनर्जी जरूर रिलीज होती है। कुछ पुराने बंध टूटते हैं, कुछ नए बंधों का निर्माण होता है, इस कारण ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त होना यानी ऊर्जा में कमी होने को शो करता है। तो यहां आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहां आपको एक पॉइंट लिखना अधिशोषण, अधिशोषण एक एक ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। आई बात समझ में? पूछा जा सकता है अधिशोषण कैसा प्रक्रम है? अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्यों? कोई भी अणुस्पीशीज किसी भी पदार्थ की सतह पर आके बैठेगी तो उनके बीच केमिकल बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होगी तो ऊर्जा में कमी होगी। ऊर्जा का मुक्त होना उष्मा से भी अभिक्रिया कहलाता है। यानी यहां पर ऊर्जा में क्या होगी, अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ऊर्जा में क्या होती है? ऊर्जा में क्या होती है? कमी। ऊर्जा में क्या होती है? कमी। इस कारण जो डेल्टा एच का मान है, डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यहां तो हमें पता चल गया डेल्टा एच का मान ऋणात्मक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं, इसको अगर इक्वेशन सेकंड दे दूं, अब बात करते हैं डेल्टा एस ये क्या है। इसको भी मैं आपको बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा जिससे आप केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझ पाओगे। चाहो तो, चाहता तो आपको रटा देता लेकिन कंसेप्ट समझो। डेल्टा एच एस इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है एंट्रोपी होता है। ये क्या होता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी का अर्थ होता है बिखराव। एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है? बिखराव। जिसमें जितना ज्यादा बिखराव होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। उसकी एंट्रोपी उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। तो कैसे? जैसे मैं बात करूं, हमारे पास ठोस पदार्थ है और ठोस के बाद द्रव है, द्रव के बाद गैस है। तीनों का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। ठोस में जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस में जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल, अंग्रेजी में बोलो तो आप, जो अवयवी कण होते हैं परमाणु अणु आयंस, ये पास पास होते हैं। तो इनकी जो एंट्रोपी यानी डेल्टा एस का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंट्रोपी का अर्थ होता है बिखराव।
यहां तो कण पास पास है, एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। और अगर ठोस से मैं कहां चले जाऊं, द्रव में, तो कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर दूर, यानी डेल्टा एस का मान पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करूं वापस द्रव से मेरे को जाना है ठोस में, तो वापस एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। और अगर मेरे को आना है यहां से यहां, तो एंट्रोपी हो जाएगी धनात्मक, इधर से इधर जाना तो ऋणात्मक। कुछ बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर मैं द्रव से आ जाऊं कहां पर, गैस में, द्रव से गैस में बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी डेल्टा एस का मान क्या होगा, फिर से सॉरी पॉजिटिव होगा, यानी और अधिक बढ़ेगा बिखराव। गैस में अभी भी कण दूर दूर होंगे, और एंट्रोपी का मतलब जितने ज्यादा अणु दूर दूर होंगे एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। अगर यहां से यहां वापस चले जाओ आप लोग, तो जो एंट्रोपी डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये चीज मैंने यहां पे समझाई है। अब मैं यहां पे अगर डायरेक्ट डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव लिखूं, तो विथ रीजन आपको ये बताएगा कैसे आया यहां पर डेल्टा एस का मान ऋणात्मक। देखना, अब बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी किसके लिए, अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अधिशोषण के लिए। अब मेरे को यह बताना, जब अधिशोषण की घटना होती है तो कण, पहले बताना कण कहां थे, बहुत दूर दूर थे कि नहीं थे। जैसे ही ये कण यहां पे आएंगे सतह पर पास पास चिपक जाएंगे, जब सतह में पास पास कण चिपक जाएंगे, तो इस घटना में मेरे को ये बताना, अब मैं मान सकता हूं गैस के कण दूर दूर है, पास आ गए, ये कण दूर दूर थे इस कंडीशन में, पास पास दूर दूर थे इस कंडीशन में, पास पास यहां से यहां जाते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होती है, ऋणात्मक प्राप्त होती है। तो यही कारण है डेल्टा एस का मान, यहां पर डेल्टा एस का मान भी आएगा नेगेटिव। समीकरण 3, यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब बात करता हूं मैं समीकरण 1, 2 और 3, इन तीन समीकरणों का उपयोग करते हुए हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे अधिशोषण के लिए ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत या क्रिया विधि। समीकरण 1 में 2 तथा 3 का मान रखने पर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच की वैल्यू ऋणात्मक, यानी माइनस डेल्टा एच रख दूं, कोई दिक्कत? और माइनस का माइनस यहां पे पड़ा है, टी का टी पड़ा है, डेल्टा एस की वैल्यू माइनस एस, माइनस डेल्टा एस। डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच, माइनस का माइनस ये भी माइनस, गुणा प्लस टी डेल एस। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, जो ये लास्ट में समीकरण प्राप्त हुआ डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल एस, इस समीकरण को आपको याद रखना है। और ये समीकरण है ऊष्मागतिकी का, ऊष्मागतिकी किसके लिए, अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए, किसके लिए ऊष्मागतिकी किसके लिए है, अधिशोषण के लिए। अब हम इसी समीकरण का प्रयोग करते हुए डेल्टा जी का मान 0 कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, और धनात्मक कैसे होता है, अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बच्चे लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा जी साम्यावस्था 0 कैसे होती है, स्वतः कैसे होता है, और अस्वतः कैसे होता है। तो हमारे जो लास्ट में समीकरण प्राप्त हुई उसको मैं वापस लिख रहा हूं, ये किसके लिए प्राप्त हुई, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए। अब यहां पे ध्यान देना, हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त हुई, डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच टी डेल एस,
ये समीकरण प्राप्त हुई। अब इस समीकरण में एक बार फिर साइड में लिख रहा हूं, डेल्टा जी है गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज ऊर्जा, और डेल्टा एच है एंथैल्पी, और डेल्टा एस है एंट्रोपी, और टी है ताप। ये वापस लिख रहा हूं तापमान। तो इस चीज में कभी कंफ्यूजन मत होना, एंट्रोपी एंथैल्पी जहां भी आए आप रिलेटेड कर देना ऊर्जा से, एंट्रोपी जहां भी आए आप रिलेटेड कर देना बिखराव से, यानी बिखराव। यहां तक ठीक है। अब इस समीकरण में हमें तीन कंडीशन लेनी है। कंडीशन नंबर में एक की बात करूं, कंडीशन नंबर एक, जब जब डेल्टा एच तथा जब डेल्टा एच तथा टी डेल एस बराबर हो, क्या हो, जब डेल्टा एच तथा टी डेल एस बराबर हो। इस समीकरण में अगर मैं इस साइड में बता रहा हूं, अगर आपके पास डेल्टा एच का मान या डेल्टा माइनस दें, इसका मान तीन है, तो एच की डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस तीन। अगर बात करूं टी डेल एस का मान भी क्या है, तीन है, तो जब ये और ये चीज बराबर है, एक चीज माइनस में है एक चीज प्लस में है, यानी यहां पर मैं इनका मान तीन तीन रख के देखूं, तो डेल्टा जी का मान मेरे पास क्या आएगा, प्लस का माइनस का तीन, प्लस का तीन माना है मैंने, कुछ भी रख सकते हो, तो ये क्या प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हुआ। इस जीरो को साम्यावस्था बोला जाता है। साम्यावस्था का अर्थ है डेल्टा जी का मान जीरो प्राप्त हुआ। कंडीशन नंबर दो, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन हो टी डेल एस से, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन हो टी डेल एस से, जब इसका मान बड़ा हो इससे, तो क्या होगा, देखना, जब मैं डेल्टा एच की जगह रख रहा हूं 10 और टी डेल एस का मान रख रहा हूं 5, तो हमारे पास डेल्टा जी बराबर माइनस का 10 प्लस का 5, डेल्टा जी बराबर माइनस का 5 आंसर आ रहा है। इस कंडीशन में डेल्टा जी का मान आएगा ऋणात्मक, क्या आएगा, ऋणात्मक। इस कंडीशन को बोला जाता है स्वतः प्रक्रम, क्या कहा जाता है, स्वतः प्रक्रम। बात करूं अगर तीसरे स्टेप की, तीसरी कंडीशन जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब डेल्टा एच का मान, सॉरी डेल्टा एच का मान छोटा हो टी डेल एस से, जब टी डेल एस से छोटा हो, तो डेल्टा जी का मान हमें प्राप्त होगा धनात्मक, क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्रक्रम हो जाएगा अस्वतः। ये चीज याद रखनी है, यानी हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अधिशोषण का सिद्धांत, उष्मा गति की, अधिशोषण के सिद्धांत के आधार पर हमें उष्मा गति की क्रिया विधि को समझाना है। इसमें अधिशोषण कहां यूज हुआ है, जब रिएक्शन होती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, डेल्टा एच का मान यहां पे हमने ऋणात्मक यूज किया, एक वर्ड यूज किया था हमने एंट्रोपी बिखराव, वो भी हमने यहां पे ऋणात्मक लिया, आपको विद रीजन बताया गया था। अब पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी वक्र, अधिशोषण समतापी वक्र। तो अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी, अधिशोषण के बारे में हमने पढ़ लिया, सम यानी समान, तापी मतलब ताप, एक ऐसी कंडीशन जहां पे टेम्परेचर होगा कांस्टेंट यानी समान होगा, तो क्या है अधिशोषण समतापी वक्र, किसे कहते हैं, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अधिशोषक द्वारा, अधिशोषक द्वारा, अधिशोषक का कार्य कोई पदार्थ है, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित यानी इसके ऊपर कोई गैस अधिशोषित होती है, कि गैस की कोई निश्चित मात्रा है, मैं स्थिर ताप, ताप क्या होगा यहां पर कांस्टेंट होगा, पर दाब के साथ परिवर्तन, टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है, तो एक वक्र प्राप्त होता है, उसको दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं अधिशोषण समतापी वक्र। एक बार फिर से बता रहा हूं, अधिशोषक कोई पदार्थ है और उसकी सतह पर अधिशोषित होती है कोई गैस, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा निश्चित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये चीजें चेंज हो सकती है,
टेम्परेचर होगा निश्चित, निश्चित ताप पर दाब अलग अलग किया जाए यानी दाब में परिवर्तन किया जाए, वो एक उनके मध्य एक ग्राफ बताया उन्होंने, एक संबंध बताया उन्होंने, उसे कहते हैं अधिशोषण समतापी। तो और यहां संबंध बताने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेंडलिक, और उन्होंने समतापी वक्र बताया सन 1909 की बात है, लगभग सन 1909 में, सन 1909 में इन्होंने इन्होंने एक संबंध बताया, एक संबंध बताया। अब इस संबंध में मैं चाहता तो ये चीजें वापस लिख सकता था, इन्होंने अधिशोषक द्वारा अधिशोषित की निश्चित ताप पर दाब में परिवर्तन करके एक ग्राफ दिया, उसे ही फ्रेंडलिक समतापी वक्र कहते हैं। इन्होंने, अब मैं आपको बता दूं, जो चीजें लैब में बताई जाती है उनका कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप अंगुली नहीं उठा सकते कि ये चीज कहां से आई, ये चीज फ्रेंडलिक ने बताई कि ये चीजें ये होती है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी के आधार पर जो गणितीय सूत्र निकल के आया उनको बताया। अब आप यहां नहीं पूछ सकते कि ये कैसे आया, दैट्स नॉट क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंडलिक भाई साहब ने प्रयोग के आधार पर बताया कि किसी अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा अगर दाब में परिवर्तन करूं, ताप स्तर रखूं, तो जो गणितीय रूप प्राप्त होता है वो ये है। अब आप उसमें फेर बदल कर सकते हो प्रेशर को चेंज करके, ये चीज हो सकती है। लेकिन आप अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूं और ये कैसे आया, ये क्वेश्चन नहीं उठता है यहां पे, क्योंकि जो चीजें लैब में बताई गई है प्रयोग द्वारा सिद्ध की उन्होंने कि ये होता है तो यही रहेगा। तो उन्होंने एक जो संबंध बताया एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n। अब इनमें क्या क्या है ये मैं बता सकता हूं आपको। यहां पे जो एक्स है अधिशोषित गैस की मात्रा को शो कर रहा है, अधिशोषित गैस की मात्रा किसको शो कर रहा है, अधिशोषित गैस की मात्रा। और यहां पे जो एम है अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान क्या है, अधिशोषक का, अधिशोषक का यहां पे ये क्या है द्रव्यमान, और x क्या है अधिशोषित गैस की मात्रा जो इसके ऊपर अधिशोषित होती है, m क्या है अधिशोषक का द्रव्यमान, ये चीजें और ये चीजें चेंज हो सकती है। द्रव्यमान वैसे कांस्टेंट है लेकिन आप उनको बड़ा घटा सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। अब बात करूं p क्या है, यहां पे p है दाब, p क्या है दाब, दाब को ही तो परिवर्तन करना है, और टेम्परेचर है जो परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर स्थिर ताप रखा जाता है, ताप क्या रखा जाता है स्थिर रखा जाता है। और यहां पे जो n है एक नियतांक है, n क्या है नियतांक है। यहां तक आया समझ में, बढ़ते हैं आगे। जो x अपॉन m है जब भी ये चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट यानी p सॉरी k ले लिया हमने 1/n, इसको दे दूं इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत। इसमें जो k है वो भी एक नियतांक है, k क्या है एक नियतांक है। अब बनेगी तीन कंडीशन, हमें क्या चेंज करना है, टेम्परेचर को चेंज करना है। पहली कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब तापमान जो दाब क्या हो निम्न दाब, ये है पहली कंडीशन। जब दाब निम्न हो तो 1/n की वैल्यू, जब दाब निम्न हो तो 1/n का जो मान है वो इक्वल होता है 1 के। इस समीकरण में 1/n के जगह पे रख दो 1, तो x अपॉन m बराबर k का k, p का p उसके जगह रख दिया 1, यह एक समीकरण है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या करके ऐसे लिख सकता हूं, एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी, कोई डाउट यहां तक समझ में आया। अब बात कर रहा हूं जब दाब निम्न है, अब बात कर लेते हैं उच्च दाब की, किसकी बात कर लेते हैं उच्च दाब, किसकी बात कर लेते हैं उच्च दाब की बात करते हैं, फिर बात करेंगे मध्य दाब की, किसकी बात करेंगे मध्य दाब की। और जब दाब उच्च हो, जब दाब उच्च हो तो 1/n का मान क्या हो जाएगा 0, 1/n का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और एक बट्टा एम का मान जीरो इस समीकरण में रख के देखो, x अपॉन m बराबर के p की पावर जीरो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x अपॉन m बराबर नियतांक। यहां तक आया समझ में? जब दाब उच्च हो तो क्या हो जाएगा नियतांक, एक मिनट रुकना, जब दाब उच्च हो तो एक बट्टा एन का मान जीरो, तीसरी कंडीशन लेते हैं, और जब दाब मध्य स्थिति में हो, तीसरी कंडीशन जब दाब मध्य हो, मध्य दाब में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना, एक बट्टा एन का मान वही रहने देना, लेकिन जो एन का मान है एक से अधिक होता है एन का मान एक से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पे ध्यान देना, कुछ नहीं चेंज करना है, वही के वही समीकरण आएगी के पी की पावर एक बट्टा एन। यहां पे तीन समीकरण है जो आपको याद रखनी है, उन तीनों समीकरण के माध्यम से मैं एक बहुत शानदार ग्राफ समझाऊंगा, वह इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसे बोलेंगे फ्रेंडली का समतापी वक्र। चाहो तो स्क्रीनशॉट लो। फिर हम जो तीन समीकरण है, कौन सी, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन, इन तीनों समीकरणों से हम एक ग्राफ प्राप्त करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बढ़ते हैं तीनों समीकरण एक दो तीन का उपयोग करके। तो अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी का फ्रेंडलिक वक्र ग्राफ कैसे बनता है। मैंने बोला था ये तीन समीकरण आपको याद रखनी है, इन तीनों समीकरण को मैं ग्राफ के माध्यम से दर्शाऊंगा, एक्स अपॉन एम और पी के मध्य ग्राफ बनाना है, यहां पर जीरो आप ले सकते हो। अब मेरे को बताओ, यहां पर एक्स अपॉन एम का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, और यहां पर दाब है सबसे कम, और इधर चलेंगे तो दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। सबसे पहले मैं ले रहा हूं निम्न दाब के लिए, जब एक्स अपॉन एम डायरेक्टली समानुपाती लगा हुआ है इन P के समानुपाती होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ऐसा समानुपाती का जब कोई भी वक्र बनाना हो, तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, एक सीधी रेखा में बनता है, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, ये किसके लिए हमने बनाया, x अपॉन m, x प्रोपोर्शनल टू, या इसके लिए बनाया, और इसको हम लिख सकते हैं निम्न दाब के लिए, किसके लिए, निम्न दाब के लिए। फिर दूसरे बात करते हैं मध्य दाब के लिए, कुछ नहीं, धीरे धीरे मध्य दाब वही है जो ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल सा ऐसा आ जाएगा मध्य मतलब ही। अब बात करते हैं मध्य दाब यहां से लेकर यहां तक, यह है मध्य दाब की कंडीशन, यहां से लेके यहां तक, यहां पे है मध्य दाब और यह है निम्न दाब, निम्न दाब। और फिर बात करते हैं उच्च दाब, x अपॉन m का मान है एक स्थिरांक के बराबर है, तो एक कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा। तो ये बचा हुआ लास्ट वाला, ये किसके लिए है, उच्च दाब के लिए, किसके लिए, उच्च दाब के लिए, उच्च दाब यानी x अपॉन m का मान एक नियतांक के बराबर है, किसके बराबर है, एक नियतांक के बराबर, और x अपॉन m का मान बराबर k p की पावर एक बट्टा n के बराबर है, यानी इसी वक्र को बोलते हैं फ्रेंडलिक समतापी, समतापी वक्र। इंपोर्टेंट लगाना, हंसते हुए इंपोर्टेंट लगाना है, मतलब बहुत ही शानदार था, हमने इजी तरीके से पढ़ लिया। अब एक चीज जो नई निकल के आएगी, एक नया ग्राफ और भी पढ़ना है आपको, क्या हमने एक समीकरण ऐसा पढ़ा था x अपॉन m का मान बराबर के p की पावर एक बट्टा n, ये हमने पढ़ा, इसको मैं दे रहा हूं एक नंबर। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, अब जब दोनों पक्षों में लॉग आया है तो लॉग x बट्टा m बराबर लॉग
के पी की पावर एक बट्टा एन। यहां तक कोई दिक्कत? हमने एक फॉर्मूला 11th क्लास में फिजिक्स में मैथ्स में बताया जाता है, एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। कोई दिक्कत? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, जब आता है लॉग एक्स बट्टा वाई तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाएगा। यहां पर गुणा होता है तो प्लस, भाग होता है तो माइनस। तो यहां पे ध्यान देना, एक्स बट्टा एन है तो मैं इसको ऐसे लॉग एक्स, इसको ऐसे करूं, इसको ऐसे ही रहने दूं, यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगूं अभी, एक्स अपॉन एम। यहां पे ये गुणा वाला चेंज कर लेता हूं थोड़ा, के प्लस लॉग पी की पावर एक बट्टा एन। आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि लॉग ए की पावर एक्स होती है, उसको लिखते हैं एक्स लॉग ए, ऐसे लिखते हैं। तो एक्स लॉग ए, लॉग ए ये रहा एक्स ऊपर, तो लॉग का लॉग, एक्स बट्टा एम का एक्स बट्टा एम बराबर लॉग के का के प्लस एक बट्टा एन लॉग पी का पी। ये आपको याद रखना है, इसी सूत्र को कहते हैं फ्रेडरिक समीकरण, एग्जाम में पूछी जा सकती है, समीकरण सूत्र फ्रेडरिक का, किसका किसका फ्रेडरिक का। तो अभी तक हमने ये सूत्र पढ़ा है, अब मैं आपको इसी सूत्र की तुलना एक सरल रेखा से करूंगा और आखिर में ये टॉपिक हमारा यहाँ आगे समाप्त होगा। एक समीकरण और आएगी, सरल रेखा का समीकरण, और फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक फ्रेडरिक समतापी वक्र की समीकरण से एक, अगर इसकी तुलना एक सरल रेखा से कर दी जाए, किससे कर दी जाए, सरल रेखा, सरल रेखा की ढाल। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये। तो अब इसकी तुलना मैं इससे कर रहा हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं और इसको इक्वेशन सेकंड दे रहा हूं। तो इसमें जो y बराबर क्या है, log x प्लस m, तो y एक्सिस पे मैंने इसको दर्शा दिया log x प्लस x बट्टा m, और यहां पे ये जो ढाल है m, तो जब भी ढाल पॉजिटिव होती है, जब भी ढाल पॉजिटिव होती है तो उसका ग्राफ ऐसे आता है, आप सब जानते हो। यहां पर ढाल एक बट्टा एन पॉजिटिव है, और जो log k है यहां पर ये c है, और ये रहा log k, और ये रहा y x, सॉरी x एक्सिस पे log p। तो ये एक साधारण सा ग्राफ है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब ये टॉपिक हमारे यहां पर फ्रेडरिक का समतापी वक्र यहां पर होता है कंप्लीट। आगे आने वाली क्लास और भी शानदार होने वाली है, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।